फिलहाल मीना शर्मा मुझे दिख रही है जयपुर से राजस्थान में। मीना, पहले दिन से आपने कहा कि भाई राजस्थान में बीजेपी जीतेगी, तो वो कौन सा अंडरकरंट था बीजेपी के लिए? रिवाज नहीं बदलना था, क्या चल रहा था राजस्थान में जो इस समय हम देख रहे हैं 113 पर बीजेपी को खड़े हुए? बहुत सही सवाल आपने किया है। दरअसल जब से राजस्थान में अशोक गहलोत की सरकार बनी, तब से लेकर आखिरी दिन तक एक सबसे बड़ा मुद्दा अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच जो विवाद था, उसकी वजह से सरकार के ही मंत्रियों के द्वारा लाल डायरी के रूप में विधानसभा में जिस तरह का हंगामा और जो एंटी खेमा, दोनों जो दो खेमे बने हुए थे, उससे सरकार के द्वारा काम का नहीं होना एक बहुत बड़ा फैक्टर था। राजस्थान की जनता ने क्लियर मैंडेट दिया है कि उन्हें एक स्टेबल गवर्नमेंट चाहिए, ऐसी स्टेबल गवर्नमेंट जो 5 साल तक राजस्थान की जनता के लिए काम करे। और यही हमारा बार बार News24 नेटवर्क पर कहना था कि राजस्थान में जो पिछले 6 महीने से हम जिस तरह से चर्चाएं आगे बढ़ा रहे थे, और पिछले 6 महीने में ही अशोक गहलोत सरकार की जो लोक कल्याणकारी जितनी भी नैरेटिव बनाने के लिए जिस तरह की योजनाएं लाई गई थी, दरअसल वो योजनाएं भी जनता तक पहुंची नहीं। तो एक तरफ तो सरकार के द्वारा 6 महीने में 4.5 साल के गैप को फुलफिल करने की कोशिश थी, दूसरी तरफ बीजेपी कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटीज के साथ जिस तरह की स्ट्रैटेजी से चल रही थी, उन्हें लग रहा था, जो कि सही साबित हुआ, और हम बार बार इस बात को कह रहे थे कि अगर वसुंधरा राजे को दरकिनार किया गया है तो हर संभाग में एक मजबूत लीडर को तैयार करने की कोशिश भी बीजेपी के द्वारा पैरेलली की गई है, और उससे हर संभाग का वो जो बड़ा लीडर है वो अपने संभाग में बूथ स्तर तक मैनेजमेंट को कैसे मजबूत करे, इसकी कोशिश बीजेपी हर दिन से कर रही है, हर दिन उसमें आगे बढ़ रही थी। लेकिन मीना, मैं अभी राजेश त्रिपाठी से सवाल पूछ रही थी कि वसुंधरा राजे सिंधिया, अभी हाल के दिनों तक भी रैलियों में देखा गया कि सबसे बड़ी क्राउड पुलर के तौर पर नजर आई, लाखों की भीड़ जुटी रैली में, तो अगर वसुंधरा राजे सिंधिया प्रोजेक्टेड होती, मैं फिर से यही सवाल दोहरा रही हूं, तो क्या बीजेपी और बड़े मार्जिन के साथ जीत सकती थी राजस्थान में? देखिए, इसको लेकर दो तरह के विचार हैं। एक ये कि इतिहास, दो बार का इतिहास ये बताता है कि वसुंधरा राजे मास लीडर है, उन्होंने दोनों बार जिस तरह का रिजल्ट दिया है, निश्चित रूप से आज उनके बराबर उस कद का खड़े होने वाला कोई दूसरा लीडर नहीं है जो उतनी बड़ी संख्या में लोगों को एकजुट कर सके। बट एट द सेम टाइम बीजेपी की ये रणनीति थी कि हम एक नेता पर डिपेंड नहीं होना चाहते, क्योंकि जिस तरह से अशोक गहलोत के द्वारा 5 साल में और खास करके सेप्टेम्बर में जिस तरह का घटनाक्रम देखा गया, आलाकमान की तरफ से जिस तरह के संकेत मिले, उसके बाद बीजेपी अपने यहाँ इस तरह की चीज बर्दाश्त नहीं करना चाहती थी। और इससे पहले जब पिछली बार वसुंधरा राजे मुख्यमंत्री थी, तब भी केंद्र, आलाकमान और यहाँ पर राज्य में मुख्यमंत्री के बीच कुछ इस तरह की बातें थी, तो वसुंधरा राजे को लेकर ये एक तरह की कोशिश थी कि वो उतना उन्हें बहुमत की जरूरत नहीं है कि उसमें उनको कंडीशन के साथ काम करना पड़े। हो सकता है कि वसुंधरा राजे को लाने से कुछ सीट और बढ़ जाती, लेकिन बीजेपी का ये कहना था कि पिछली बार वसुंधरा राजे चेहरा थी, हमारी सीट कम हुई, इसलिए जरूरी नहीं है। हो सकता है उसका नुकसान इस मायने में होता कि बाकी लीडरशिप जो है वो उतनी इफेक्टिव एफिशिएंट काम नहीं कर पाती जितना कि अभी 10 लोगों ने मुख्यमंत्री बनने की उम्मीद में अपने साथ जितनी बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं को, लोगों को जुटाया, वो उतनी मेहनत नहीं करते। मीना, मेरा आपसे सवाल है, क्योंकि आप ग्राउंड पर हैं और आप देख रही हैं वहां की चीजों को, कि अगर वसुंधरा राजे चीफ मिनिस्टर का चेहरा नहीं होती है तो किसका चेहरा आगे आएगा? एक, और ये जो अदर्स में 14 अभी दिख रहे हैं, उनमें से वसुंधरा राजे के कितने लोग हैं? एक तो इम्पोर्टेंट बात समझने की जो ये है कि 14 ये 14 पर आकर टिक गया, जिसकी संभावना 35 और 40 के बीच समझी जा रही थी कि ये संख्या इस बार बहुत बड़ी होगी, जिस तरह की एनालिसिस हो रही थी कि इस बार जो डिसाइडिंग फैक्टर है वो यही लोग होंगे, वो नहीं हुआ। राजस्थान की जनता ने यहाँ अगेन मैच्योरिटी दिखाई है, और हमने इस बात को बार बार पिछले दिनों भी कहा था कि इस बार
निर्दलीय, थर्ड फ्रंट, इनकी संख्या तुलनात्मक रूप से कम होगी जो कि हुई है। बीजेपी की स्ट्रैटेजी थी आरएलपी को खत्म करना, इसलिए आरएलपी ने कांग्रेस का हाथ थामा। लेकिन जिस तरह सीट वार अगर हम जाते हैं तो वहां पर बीजेपी ने स्ट्रैटेजिकली इस काम को किया। जहां तक ये जो 14-15 इंडिपेंडेंट्स की अगर बात करें, उसमें यूनुस खान एक बड़ा नाम है जो कि वसुंधरा समर्थक और जिन्हें टिकट नहीं दिया गया था और उनको जीत मिली है। इसके अलावा जो है वो अभी मिली जुली बात है। तीसरी बात, आपने कहा मुख्यमंत्री पद का, मुख्यमंत्री पद को लेकर कई तरह की चर्चाएं, एक दिया कुमारी के नाम को, एक अश्विनी वैष्णव, एक अर्जुन राम मेघवाल, इस तरह के नामों की चर्चा है। लेकिन अभी तक एक ओम माथुर का बहुत ड्यू है। एक मायने में कहना चाहिए कि गुजरात की राजनीति जब नरेंद्र मोदी करते थे, तब जिस तरह का काम गुजरात में राजस्थान से जाकर ओम माथुर ने उनके लिए किया था ग्राउंड पर 2007 में, उससे पहले, उसके बाद, वो एक कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी को अब वक्त है पे बैक करने का। तो बिल्कुल मीना, ये देखना होगा कि राजस्थान में भी बहुत सारे चेहरे, ठीक इसी तरह मध्य प्रदेश में भी बहुत सारे चेहरे हैं, शिवराज सिंह चौहान के तरह, नरेंद्र सिंह तोमर से लेकर और बहुत सारे चेहरे। एक छोटा सा ब्रेक हम ले रहे हैं लेकिन लगातार बने हुए हैं इन आंकड़ों पर, ये रुझान नतीजों में तब्दील अब होने की सूरत इख्तियार करने की तरफ चल पड़े हैं। एक छोटा सा ब्रेक, लौट रहा।